फ्रेंड्स, मैं अरुण अहलूवालिया इस वक्त मिसिसॉगा कनाडा से पर्यावरण दिवस का एक छोटा सा संदेश देना चाह रहा हूँ। मैंने लाइव होने की कोशिश की, वो मुझसे हुआ नहीं, तो मैं इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड करके तुरंत अपलोड करूँगा। पर्यावरण दिवस हमारे देश में शुरू हो चुका, कनाडा में अभी थोड़े घंटों में शुरू होगा। उधर पूर्व की तरफ सभी लोग थोड़ी थोड़ी बातचीत, थोड़ी थोड़ी औपचारिकता, फॉर्मेलिटी और कुछ दिल से बातचीत श्योरली कर रहे होंगे। जो यूएनओ के प्रोग्राम की जो ये प्रण था कि 5 जून पूरी दुनिया में हम एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के तौर पर मनाएं, मैं बहुत दशकों से इसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूं और बातचीत करते रहा हूं। और जब इंडिया में रहता तो कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी टीवी चैनल पे इसके बारे में बातचीत होती। पर अभी क्या है कि ये बात जो मोटा संदेश है पर्यावरण दिवस का, मैं इसमें फटाफट वो कह के बात को ख़त्म करूँगा, नहीं तो बात लंबी हो जाए तो उसका मतलब नहीं रह जाता। पर्यावरण दिवस की सारी सेलिब्रेशंस, सारी फॉर्मेलिटीज, सारी औपचारिकताएँ कहीं मात्र चौंचला बन के ना रह जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ी वही गंदी हवा में सांस ले, वही शोर शराबे की दुनिया में जो कान के पर्दे खराब कर दे उसमें जिए, और वही दूषित पानी नदियों का और ग्राउंड वाटर वो पिए, और वही जहरीला खाना खाए। तो काहे का पर्यावरण दिवस? हमारे As an Indian, and I'm saying it to all Indians, विश्व के कई सालों से 14, 15, 16 जो most polluted शहर हैं वो हमारे हैं। What a dubious distinction we have, और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, हम इसके साथ जी रहे हैं, इस शर्म के साथ, इस बड़े दिल पर बोझ के साथ हम जी रहे हैं। हमारा एक नवजात बच्चा भी एक पैसिव स्मोकर है, अगर वो NCR में है, कलकत्ता में है, या बम्बई में है, या पटना में है, या लखनऊ में है, और इवन जो दूसरे आधुनिक शहर हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं होता था, चंडीगढ़ जैसे, वहाँ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सांस नहीं आ रहा है, बिकॉज पास में ही खेत हैं अपने मोहाली के, वहां से हवा अगर चल पड़ी तो इधर चल पड़ी, वहां जले हैं खेत। वो बस हम अक्सर बोलेंगे कि साहब स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, बट इवन दोज हु आर नॉट स्मोकर्स आर पैसिव स्मोकर्स। द सिगरेट या कभी कभी बहुत प्रदूषित वक्त में 15-20 सिगरेट का धुआं हमारे फेफड़ों में जा रहा है। हमारे शहरों के जो रहने वाले बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके फेफड़े काले हो गए हैं, वो लंग कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, पानी के साथ वो जहर पी रहे हैं, नदियों में हम पूरा मलबा डाल रहे हैं, शीलों में पूरे शहर का मलमूत्र पूरा का पूरा जो एफ्लुएंट्स है इंडस्ट्रियल वो फेंक रहे हैं। हमारी सब्जियां जहाँ पे ग्रो करती हैं गंदे नालों का, एफ्लुएंट्स का, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स का पानी उसमें जा रहा है। वक्त आ गया है कि हम जाग जाएं, इस पाप से, इस बड़े पाप से अपने आप को छुटकारा दिलवाएं। टाइम टू एक्ट, टाइम टू वेक अप, टाइम टू शेक अप, बिकॉज हमारी
अगली पीढ़ियां आजकल बीमार पैदा हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं, अगर यही चलते रहा ये अगली पीढ़ियां सारी के सारी ये बीमार, ये जनरेशन बीमार पैदा होगी, इनकी उम्र वो नहीं होगी जो हम लोगों की हो चली थी बिकॉज ऑफ गुड फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ। 60, 70 के बाद में भी लोग ये नहीं मानते थे कि वो बूढ़े हो चले हैं, वो कहते थे 80 के बाद में बुढ़ापा है, कहीं ऐसा ना हो ये जो अगली आने वाली पीढ़ी है ये 30-35 साल में ही बूढ़ी दिखने लगे। और इनकी अगली पीढ़ी अगर यही चलते रहा, प्रदूषण का दौर और प्रदूषण का जोर और हमारी हेल्पलेसनेस और हमारी लेथार्जी टुवर्ड एनी कंस्ट्रक्टिव एक्शन अगेंस्ट इट, तब ये पर्यावरण दिवस 5 जून, अर्थ डे 22 अप्रैल, या वाटर डे 22 मार्च, या ओजोन डे, वेटलैंड डे, व्हाटएवर, बेकार है, बेकार है, बिल्कुल चौंचला है, बेईमानी है, आंख मूंदने वाली बात है। पर्यावरण दिवस अगर हमें मनाना है, हमें पक्का मनाना चाहिए और वो ईमानदारी से मनाना चाहिए। हमें प्रदूषण को बिल्कुल बिल्कुल, जिसको बोलते हैं प्रदूषण, इससे पहले कि प्रदूषण हमें मार दे, हमें प्रदूषण को मारना है, खत्म करना है। अदरवाइज आने वाली पीढ़ियां ये जरूर पूछेंगी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे उस वक्त के टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, विशनरीज, मीडिया पर्सन्स, उन्होंने कुछ बात की तो सॉलिड क्यों नहीं की, कुछ एक्शन सॉलिड क्यों नहीं किया और कुछ हुआ क्यों नहीं? जब हमारे खून में जहर जा रहा था, जब हमारा पानी पीने वाला, हमारी हवा सांस लेने वाली, हमारा खाना, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारे अनाज दूषित हो रहे थे जेनेटिकली ऑल्सो, तो वो क्या कर रहे थे? वो सोए क्यों हुए थे? वो इतने बेसहारा क्यों थे? वो ऐशो आराम में क्यों खोए थे? छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में, राजनीति में और तरह तरह की, जिसको बोलते हैं टुच्ची टुच्ची चीजों में क्यों खोए थे? वो एक बड़ी बात को क्यों नहीं देख रहे थे कि इतना बड़ा देश, 140 करोड़ के ऊपर का देश, यहाँ पे वैसे ही 80-90 करोड़ तो एक टाइम का खाना खाते हैं। हम इतनी इतनी बड़ी बात कहते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, हम एक्चुअली एक बहुत महान देश हैं, बड़ी महान कल्चर है, बहुत प्राचीन कल्चर है, हम कुदरत के पुजारी रहे हैं हमेशा, हमारा शांति पाठ हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हर रोज की योगा क्लास में हम सुबह सुबह 5 बजे उठ के योगा करते हैं तो वहां पे शांति पाठ से खत्म करते हैं, वो शांति पाठ हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर हमारे पल पल का, हमारे रोम रोम में होना चाहिए, हमारे पूरे देश में के जिंदगी का वो हिस्सा होना चाहिए। और इसका असर हर एक नागरिक पे, हर एक बच्चे की जिंदगी पे, भविष्य की जनरेशंस पे पड़ना चाहिए। तब तो ये पर्यावरण का दिवस सच्चा दिवस है, एक कमिटमेंट का दिवस है, नहीं तो ये मात्र बेईमानी है, चौंचलेबाजी है। शोर शराबा भी इस कदर बढ़ गया है हमारे शहरों में, हमारा जीना इतना हराम हो गया है कि हम चैन से सो नहीं सकते, हम चैन से पढ़ लिख नहीं सकते। हमारे स्कूलों में, हमारी यूनिवर्सिटीज के क्लासेस में, हमारे शहर पार्किंग लॉट लगने लगे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी क्लास विंडोज तो हमारी साउंड प्रूफ होती नहीं, कोई ऐसी क्लास नहीं है, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे चैन से कोई पढ़ लिख रहा हो या चैन से कोई बीमार थोड़ा आराम कर सकता हो। आइए ये प्रण लें, ये पर्यावरण दिवस कहीं ऐसे ही ना चला जाए जैसे पिछले सालों के पर्यावरण दिवस गए। ये नहीं जा सकता, अगर गया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी इस प्लेनेट से। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रॉजर कॉर्नबर्ग आए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से तकरीबन 6-7 साल पहले इंस्पायर लेक्चर में, बच्चों ने पूछा कि ये प्रदूषण ऐसे चलते रहा तो इसका असर हम पे क्या होगा, वो जेनेटिक्स के आदमी थे। उन्होंने बोला माइक्रोब्स आर टॉलरेंट, दे कैन एडजस्ट,
Man cannot survive in this sort of pollution environment. And he said, if this continues, I don't give more than 100 years for man to get extinct. And if it increases, maybe faster. एक बहुत बड़े विद्वान थे, नोबेल लॉरेट थे, वो बहुत सीरियसली ये बात कह रहे थे. हम ये वार्निंग्स सुनते हैं और अनसुनी कर देते हैं ये सोच के, अरे कर नहीं कुछ सकते, क्या करें, सभी पोल्यूट कर रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ सुनता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई है. आइए, इकलौता फोकस पूरा साल हम हवा के शुद्धिकरण पे, पानी के शुद्धिकरण पे, और जितने हमारे फल पौधे फ्रूट हैं, अनाज हैं, उसके शुद्धिकरण पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, थोड़ा पेड़ लगाने पे फोकस करें, पेड़ों को बचाने पे फोकस करें, और एक साल हम पेड़ ना काटें, कहीं ना काटें पेड़ों को. ये बहुत हो गया, कंक्रीट के जंगल बहुत लग लिए, बारिश कई जगह पे हमको नमस्ते करके दूर से ही चली जाती है. क्यों क्यों चली जाती है? बारिश होती है तो वन होता है, जंगल होता है, जंगल होता है तो बारिश होती है, दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. अगर आपने कंक्रीट टावर्स बना दिए शहरों में, ये चंडीगढ़ में, साउथ चंडीगढ़ में अक्सर बारिश नहीं होती, मोहाली में अक्सर बारिश नहीं होती, नॉर्थ की तरफ सुखना लेक की तरफ खूब बारिश होती है. कई बार होता है शहर में चार पांच जगह कहीं बारिश कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं बारिश हुई नहीं, पूछने आ जाते हैं अखबार वाले या कभी कभी वो रेडियो चैनल वाले, साहब चंडीगढ़ में बारिश क्यों नहीं हो रही. मैंने एक बार उल्टे ही सवाल पूछ लिया, भैया चंडीगढ़ में बारिश क्यों हो, खासतौर पर साउथ वाले में, ये सब क्यों ना हो, बारिश तो सब जगह होती है, होनी चाहिए. देखा, आपने घास भी काट दी, पेवर ब्लॉक लगा दिए, आपने पेड़ ढेर सारे काट दिए, आपने पेड़ों की डेंसिटी बहुत कम कर दी, बिल्डिंग्स की कंक्रीट की डेंसिटी बहुत बढ़ा दी, तो बारिश तो वहीं आती है जहां हरा हरा हो. हिमालय में मैं ये बहुत सीरियसली ये वार्निंग दे रहा हूं, हिमालय में जो हमने सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे सारे स्लोप्स में जो सीमेंट पोता है, कंक्रीट की दीवारें खड़ी करी हैं, हरे हिमालय को ग्रे बनाया है, वक्त आएगा या शायद आ चुका है कि हिमालय को भी बारिश दूर से नमस्ते कर देगी. अगर हमने अपने इतने सुंदर लैंडस्केप का ये हाल किया कि हिमालय का बेड़ा गर्क कर दिया, घाट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, कोस्टल टेरिटरीज का बेड़ा गर्क कर दिया, अब रही सही कसर हम शायद आइलैंड टेरिटरीज में भी करेंगे, तब शायद हम भूल जाएं कि कभी भी इस देश को समृद्ध बना सकेंगे. देश की समृद्धि के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है जन चेतना की अबाउट आर साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, भूविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान. जिस देश की फोकस भूविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान पे नहीं होती, वो देश का बेड़ा गर्क समझ लीजिए, इस सोच के कारण ही बेड़ा गर्क समझ लीजिए. आज की तारीख में हम एक तरफ बहुत बुलंदी पे हैं, हम एक मिलिट्री पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम स्पेस पावर हैं, एक आईटी जायंट हैं, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गए या बनने वाले हैं, आगे पीछे होते रहते हैं. दूसरी तरफ 80-90 करोड़ लोग हमारे देश के एक टाइम का खाना खाते हैं, भरपेट खाना नहीं खा पाते, दूषित पानी पीते हैं, दूषित खाना जो मिलता है वो खाते हैं, शोर शराबे में रहते हैं, छत हमारे सर पे नहीं है. तो अमीरों को देख के ये ना कहिए कि हम समृद्ध हो गए. तो गांधी जी ने कहा था, जब हर गांव में समृद्धि होगी तभी हिंदुस्तान समृद्ध होगा, जब पूरा हिंदुस्तान हरा भरा होगा, प्रदूषण रहित होगा,
हर जगह की हवा सांस लेने लायक होगी, वो फेफड़ों को काले नहीं करेगी, वो तंदुरुस्त बनाएगी। हर वो सांस लेने से हर आदमी तंदुरुस्त होगा, हर जगह हर नदी नाले का पानी पीने लायक होगा, चश्मे जो हमारे वो बेकार की ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जोशीमठ जैसे शहर खाली एक बर्बाद हुआ, वो थोड़ा मशहूर था इसलिए ज्यादा पता लग गया। जियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ रिटायर्ड, जियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ 50 साल से, नो 50 साल नहीं तकरीबन 57 साल से, एक सीरियस स्टूडेंट हूँ पर्यावरण का। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। उस नाते एक बात बोलता हूँ, सैकड़ों सैकड़ों जोशी मठ हमारे पूरे हिमालय में बर्बाद हो रहे हैं, सैकड़ों। अगर हमने इस देश को स्टेबल बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, समृद्ध बनाना है, पर्यावरण और भूविज्ञान पे उससे ज्यादा फोकस करें जितना फोकस हम स्पेस एक्सप्लोरेशन पे करते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन पे करते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हर गांव का पानी शुद्ध हो, हर शहर की हवा शुद्ध हो, हर जगह पे हर गांव सेफ हो, वहां पे स्कूल अस्पताल कॉलेज वो दो फाड़ ना हो रहे हों, वहां पे जोशीमठ जैसे वो जिसको बोलते हैं आगे दौड़ पीछे चौड़ ना हो रही हो। जोशीमठ तो हो लिया, नैनीताल की तरफ भी वही हो रहा है, कई जगह पे हो रहा है। आइए पर्यावरण दिवस पे नमस्कार करें धरती माँ को, भारत माँ को, और एक कमिटमेंट करें अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि हम आपको एक सुरक्षित जीवन देंगे, एक सुरक्षित हरी भरी धरती देंगे, एक पीने लायक पानी देंगे, सांस लेने लायक हवा देंगे, एक सुंदर धरती जैसी होती थी हरी भरी हो देंगे। नमस्कार, हैप्पी एनवायरनमेंट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।